ये वीडियो बस एक अनुमान किया गया वीडियो है। इस वीडियो में कबड्डी की किसी भी तरह की जानकारी, न्यूज या फिर अपडेट नहीं दी जा रही है। तो दोस्तों 22 जून को कबड्डी मास्टर्स 2018 स्टार स्पोर्ट्स पे चालू हुआ था। ये जो रोमांचक एक कबड्डी की इंटरनेशनल टूर्नामेंट थी, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है दोस्तों। और देखते ही देखते इसकी सेमीफाइनल आ दमकी है 29 जून को। हाँ दोस्तों, 29 जून को कबड्डी मास्टर्स के दो सेमीफाइनल मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें से सेमीफाइनल वन है ईरान वर्सेस पाकिस्तान। और इस वीडियो में मैं आप सभी से चर्चा करूंगा कि इस मैच में कौन जीत सकता है और कौन सी टीम पे भारी पड़ेगी और किस तरह से मैच रोमांचक होगा। तो अगर आपको सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आपको देखना है स्किप किए बगैर। तो चलिए खेलते हैं कबड्डी। तो दोस्तों एक ऐसा समय था जब इंडिया के बाद कबड्डी में पाकिस्तान का ही नाम लिया जाता था। हाँ दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान ही एकलौती कोरिया के साथ ऐसी टीम है जिन्होंने इंडिया को हराया है। हाँ दोस्तों, इंडिया को उन्होंने एक बार हराया है। तो यहाँ पे बात आती है कि करंट सिचुएशन क्या है। तो दोस्तों करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ईरान अभी पाकिस्तान से कहीं गुना बेहतर टीम है। कहीं गुना तो कहना शायद थोड़ा रॉन्ग होगा, लेकिन ईरान अभी पाकिस्तान से बेहतर टीम है। लेकिन दोस्तों ईरान की जो मेन टीम है वो कबड्डी मास्टर्स खेलने आई ही नहीं, जैसे कि फैजल अत्रचली, अबोजार, मिघानी, मिराज शेख कोई भी नहीं है पाकिस्तान के टीम में, और सारे के सारे ही नए प्लेयर है। और सॉरी दोस्तों, ईरान के टीम में और पाकिस्तान के टीम में सारे ही प्लेयर जो है एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास और बेहतर स्किल्स है। और दोस्तों 2017 के एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने ईरान के टीम ए, यानी कि फैजल भी थे, अबुजार भी थे, ईरान के टीम ए को ईरान के घर में ही हराया था। तो ये बात भी हम नहीं भूल सकते कि पाकिस्तान ने करेंटली एकदम रिसेंटली ही ईरान को हराया है, वो भी टीम ए के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे शायद पाकिस्तान जीत जाए और यहाँ पे शायद ईरान जीत जाए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दोनों ही टीम को जीतने के चांसेस 50-50% दे रहा हूँ दोस्तों। हाँ, ईरान भी जीत सकती है, पाकिस्तान भी जीत सकती है, 50-50% चांसेस है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 2017 एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में इसलिए ईरान हार गई थी क्योंकि ईरान थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी, इसलिए हार गई थी दोस्तों पाकिस्तान के साथ। बाकी अगर मैं ईरान की स्क्वाड देखूं, ईरान की स्किल देखूं, ईरान का खेल का परफॉर्मेंस ग्राफ देखूं तो बहुत ही हाई है और बहुत ही उम्दा, मतलब खेलते हैं वो लोग, मतलब उनका कोई कंपैरिजन होता ही नहीं अगर इंडिया को छोड़ दो तो। और पाकिस्तान का जो भी स्किल है, जो भी मतलब खेलने का स्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेड हो गया है दोस्तों, वो हम बहुत ज़्यादा अनुमान अब लगा सकते हैं। और पाकिस्तान के प्लेयर ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है लेकिन नए नहीं है। नए प्लेयरों में एक खूबी रहती है, उनके पास नए नए स्किल्स रहते हैं, और पुरानी प्लेयरों की एक मतलब कमजोरी रहती है कि वो वही पुराने स्किल के साथ खेलते हैं और उनको हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं, भाप लेते हैं, जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान को मैं 50% दे रहा हूँ, ईरान को 50% दे रहा हूँ। कोई भी ये मैच जीत सकता है और ये मैं 100% गारंटी देके बोलता हूँ कि सेमीफाइनल वन एकदम धमाकेदार होगा दोस्तों। ईरान पाकिस्तान नेक टू नेक बैटल होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। और हाँ, टीवी पे चिपक जाना उस दिन, क्योंकि सेमीफाइनल वन बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की एनालिसिस। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कौन सी टीम जीत सकती है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ हर रोज़। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।